हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ की इंडियन पॉलिटी सीरीज इस वीडियो में अपन बात करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में अभी तक अपन ने देखा था यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को और अपन ने देखा था यूनियन एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो पार्ट फाइव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है तो अगला पार्ट क्या होगा स्टेट एग्जीक्यूटिव का और वो क्या पार्ट होगा प्लस वन यानी कि सिक्स पार्ट में जो डील करते हैं स्टेट से रिलेटेड में तो सारे के सारे जो स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल हैं वो आप देखोगे पार्ट सिक्स में प्रेजेंट है इसमें आप देखोगे आर्टिकल 153 से 167 के बीच में प्रेजेंट रहते हैं यहां तक अपन ने देखा था आर्टिकल नंबर 52 से लेकर प्रेजेंट हुआ था बेसिकली यूनियन के के बारे बारे में में जहां पर 52 अपन ने प्रेसिडेंट पढ़ा था एंड सो ऑन आगे मैं इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप आर्टिकल्स याद रख सकते हो नेक्स्ट अपन बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम द स्टेट एग्जीक्यूटिव अब जब भी अपन इसको स्टेट को पढ़ेंगे तो नेशनल और स्टेट को अपन कंपेयर करते चलेंगे ताकि आपको याद रहे और इजी हो जाए तो जैसे अपन ने नेशनल या यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा था तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है सबसे पहले प्रेसिडेंट नेक्स्ट आता है वाइस प्रेसिडेंट उसके बाद यहां पर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें कि पी हेड रहते हैं और लास्ट आता है अटोर्नी जनरल

बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंस्टिट्यूशनल रोल ऑफ गवर्नर तो कंपेयर करेंगे अपन जैसे प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट क्या थे वो क्या करते थे एक नॉमिनल रोल प्ले करते थे गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट में जहां पर वो नॉमिनल या तो आप बोल सकते हो नॉमिनल हेड थे या तो एग्जीक्यूटिव के बस हेड थे सारा कामकाज उनके नाम पर हो रहा था बट उनको कोई भी रियल अथॉरिटी नहीं थी बिल्कुल वैसा ही रोल गवर्नर का है स्टेट में तो गवर्नर एक नॉमिनल हेड है स्टेट का सारा एग्जीक्यूटिव एक्शन उन्हीं के नाम पे किया जाता है बिल्कुल सिमिलर टू प्रेसिडेंट बट यहां पर एक एडिशनल रोल है गवर्नर का वो ये है कि जो गवर्नर रहते हैं वो सेंटर के एक एजेंट भी रहते हैं यूनियन गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है और इसीलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ काम करते हैं तो प्रेसिडेंट के मुकाबले गवर्नर का एक एडिशनल रोल भी रहता है तो एक्टिंग एज अ रियल हेड ऑफ द स्टेट रियल हेड ऑफ द स्टेट कौन है चीफ मिनिस्टर सर्विंग एज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव यही आंसर होगा ठीक है अब यदि अपन देखें बिल्कुल जैसे ही प्रेसिडेंट थे वैसे ही ये नॉमिनल हेड थे लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर माना जाता है गवर्नर का पोस्ट कि गवर्नर क्या है एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है। Therefore, ऐसा नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट कंसिडर किया जाता है ये माना जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट एक्ट करता है बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये नहीं है ये बहुत क्लियर है नेक्स्ट अपन बात करते हैं इज़ द द की डिफरेंस इन मोड ऑफ ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट का सिलेक्शन अपन ने देखा था कैसा देखा था इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में अपन ने देखा था बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं जिसमें सारे के सारे इलेक्टेड लोग रहते हैं जिसमें अपन ने देखा था सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंब्लीस और तीसरे नंबर पे यूटीस ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी इन्वॉल्व रहती है यानी कि एक इलेक्शन प्रोसेस होता है पूरे इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने के बाद जो अपॉइंट होता है उससे प्रेसिडेंट अपने को मिलता है लेकिन गवर्नर जो है वो क्या होते हैं सिंपली नॉमिनेट होते हैं इनका कोई भी चयन नहीं होता है प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंटर और उसके जरिए इनका नॉमिनेशन होता है तो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बिल्कुल सही है ये नॉमिनेशन होता है वेयर एज द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है नेक्स्ट अपन बात करते हैं से तो की -क्या से याद से पहले, वो भारत का नागरिक होना चाहिए दूसरी चीज क्या थी थर्टी फाइव इन का होना चाहिए कम से कम और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होनी होने चाहिए यही तीन कंडीशन थी तो गवर्नर के केस में क्योंकि अपन सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं तो लोकसभा वाला क्राइटेरिया नहीं होगा ये दो क्राइटेरिया अपहोल्ड करेंगे इनकी रिक्वायरमेंट के लिए सो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 35 इयर्स ऑफ एज तो बोथ ए एंड बी वुड बी द रिक्वायरमेंट नेक्स्ट इसके अलावा दो कन्वेंशन फॉलो नॉर्मली किए जाते हैं क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं ये संविधानिक नहीं है ये क्या है कुछ कन्वेंशन किए जाते हैं क्योंकि गवर्नर को किसके साथ मिलकर काम करना रहेगा सीएम के साथ मिलकर काम करना चाहिए तो कोशिश ये की जाती है कि जो गवर्नर अपॉइंट हो वो लोकल पॉलिटिक्स में यानी कि स्टेट के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो इसीलिए बहुत सारी कमिटीज ने रिकमेंड किया है कि ये जो गवर्नर होना चाहिए वो स्टेट से ना हो वो बाहर के किसी स्टेट से हो ताकि वो स्टेट पॉलिटिक्स से शील्डेड रहे और दूसरा सीएम से कंसल्ट करना चाहिए जब अपॉइंट कर रहे हैं क्योंकि सीएम और गवर्नर एक साथ काम करेंगे यदि दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो बहुत ही बढ़िया काम होगा इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो जब जो हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है धनकर जी और जब वो गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के तो उस समय जो टीएमसी के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी और धनकर साहब के बीच में बहुत कंट्रोवर्सीज होती थी और आए दिन प्रॉब्लम्स होती थी इससे क्या होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का वर्क करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पूरा का पूरा मशीनरी को होने लगता है इनको ओथ कौन करता है तो फिर से प्रेसिडेंट से कंपेयर कीजिए प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो गवर्नर को कौन दिलाएंगे? उन्हें ओथ दिलाएंगे. Next, जो है, वैसे ही सारी, की, सारी गवर्नर की है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए तो इसी वजह से क्या होता है ये एम पी नहीं होने चाहिए ये भी बिल्कुल वैसे ही पोजीशन है प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए जैसे कि प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति भवन मिलता है वैसे ही फ्री ऑफ चार्ज गवर्नर को राजभवन मिलता है और प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है उनकी सैलरी कौन डिटरमाइन करता है जो डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट ध्यान रखिएगा यहां पर भी जो सैलरी होती है वो पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करता है स्टेट लेजिस्लेचर नहीं डिटरमाइन करता है ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस In who and क्या देखा था अपनिग्नेशन करते हैं को. लेकिन स्टेट में तो कोई वाइस प्रेसिडेंट होता ही नहीं है तो किसे सबमिट करेंगे ये सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को ही जिन्होंने इन्हें अपॉइंट किया है तो गवर्नर सबमिट्स रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट्स ले, रेजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट तो गवर्नर टू चीफ मिनिस्टर गलत हो गया गवर्नर टू स्पीकर गलत गवर्नर टू प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट टू वाइस प्रेसिडेंट यही है आप दोनों को कंपेयर करते रहोगे स्टेट और यूनियन को तो याद रखना आसान होगा दोनों में बहुत हद तक सिमिलैरिटीज है और यदि आप सीओएम, एम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखोगे तो टोटल सिमिलैरिटी है कुछ भी डिफरेंस नहीं है नाउ व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द टर्म ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट एक ज्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूशनल पोस्ट है तो इसी वजह से अपन ने क्या देखा था प्रेसिडेंट को एक फिक्स्ड टेन्योर कम से कम पांच साल का टेन्योर है और ये टेन्योर से क्या होगा इन्हें निकालना बहुत मुश्किल है सिर्फ और सिर्फ यदि इनका इम्पीचमेंट किया जाए या उनकी डेथ हो जाती है कुछ इस तरीके के सिचुएशन में ही हटा जा सकता है बट इम्पीचमेंट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है अपन ने देखा है इसीलिए कभी भी इंपीचमेंट नहीं हुआ है तो क्या होगा बट गवर्नर जो है गवर्नर आप सुनते होंगे आए दिन इनकी ट्रांसफर होते रहता है इनको हटाया जाता है तो गवर्नर जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर रहते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का क्या मतलब है फिर से जब भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगी तब उन्हें क्या किया जा सकता है हटाया जा सकता है यानी कि पांच साल तो कुछ है ही नहीं ऑन पेपर पांच साल लिखा है लेकिन एक्चुअल टर्म कितना होता है जो भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है इसी वजह से आप देखोगे जब भी सेंटर में नई सरकार आती है यदि ऑपोजिशन से कोई सरकार आई है तो आते साथ वो सबसे पहले क्या करते हैं जितने भी गवर्नर्स हैं उनको चेंज कर देते हैं ट्रांसफर कर देते हैं और उसमें फिर बदल करते हैं तो गवर्नर हैज़ है फाइव टर्म वाइल प्रेसिडेंट है आंसर तो रखिएगा प्रेसिडेंट पांच साल ना सर्व करे दिस इज वेरी अनलाइकली लेकिन गवर्नर पांच साल सर्व कर ले ये बहुत ही रेयर ओकेशन में मिलेगा नेक्स्ट यदि अपन गवर्नर के पावर वगैरह बात करें तो बिल्कुल ही जैसे प्रेसिडेंट के पावर्स थे एज इट इज सिमिलर पावर स्टेट में जो है वो गवर्नर के होते हैं जैसे कि सबसे पहले अपन ने एग्जीक्यूटिव पावर्स की की बात की थी कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है सेंटर में वो किसके नाम पे होता है प्रेसिडेंट के नाम पे बिल्कुल वैसे ही सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन स्टेट में किसके नाम से होंगे वो होते हैं गवर्नर के नाम से इसके अलावा सीएम का अपॉइंट करना अदर मिनिस्टर्स का कौन अपॉइंट करता है यही अपॉइंट करता है इसके अलावा एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा रिसेंटली कंट्रोवर्सी में रहा है तो ध्यान रखिएगा पर्टिकुलरली केरला में और वेस्ट बंगाल में ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है 2022 और 23 में वो ये है विद रिस्पेक्ट टू चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट ध्यान रखिएगा जितनी भी यूनियन यूनिवर्सिटीज होती है यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्जाम्पल आई हो गई एन हो गई जो नेशनल यूनिवर्सिटीज का जो चांसलर रहते हैं वो प्रेसिडेंट रहते हैं लेकिन जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज रहते हैं उनका बिल्कुल उसी के एनालॉगस जो चांसलर रहते हैं वो गवर्नर रहते हैं और इसी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में तो यहां तक एक लॉ पास कर दिया गया था कि अब चांसलर बेसिकली स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर गवर्नर नहीं बल्कि सीएम रहेंगे तो इस हद तक कंट्रोवर्सी हुई है और सीएम वर्सेस गवर्नर के टसल में एक मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी रहा है कि चांसलर कौन रहेगा यूनिवर्सिटीज का अभी के लिए, के लिए लिए ऑब्जेक्टिव पर्पस आपको क्या ध्यान रखना है स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर कौन है गवर्नर है और यही गवर्नर जो है वो वाइस चांसलर्स को भी अपॉइंट करता है नेक्स्ट अपन बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स तो बिल्कुल वही लेजिस्लेटिव पावर्स जैसे कि अपन ने पार्लियामेंट के बारे में देखा था पार्लियामेंट क्या होता है लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंट क्यों होता है पार्लियामेंट का पार्थ? क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करे कोई भी बिल लॉ नहीं बनता है उसी प्रकार गवर्नर भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है एक ऑर्गन है यदि लेजिस्लेटिव ऑर्गन में गवर्नर नहीं होगा तो कोई भी बिल एक्ट बनेगा ही नहीं इसके अलावा बहुत सारे एक्ट करते हैं जैसे कि अपन ने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा था बुलाना हो यानी कि समन करना और बाद में जब सेशन टर्मिनेट करते हैं यानी कि प्रोरोग करते हैं तो वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं तो ये दोनों सेशन कौन करेंगे समन और प्रोरोग करेंगे गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसके अलावा यदि आप देखोगे जो तो डिफरेंस है वो ये है कि गवर्नर के पास कुछ एडिशनल रोल्स हैं जैसे कि ये क्या कर सकते हैं बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर है उन्होंने बिल पास किया और उन्होंने गवर्नर को पास कर दिया अब गवर्नर के पास प्रेसिडेंट की तरह कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि वो साइन कर देंगे तो ये बिल बन जाएगा ये मना कर देंगे और वापस भेज देंगे तो भी होगा या तीसरा ऑप्शन जो प्रेसिडेंट के केस में था याद करिए पॉकेट वीटो जिसमें वो या तो ना तो हाँ बोलेंगे ना तो आ, मना करेंगे बस अपने टाइम बिताते रहेंगे क्योंकि भारत के संविधान में कुछ भी समय नहीं लिखा है जब प्रेसिडेंट या गवर्नर को साइन करके बिल वापस करना है ये थे प्रेसिडेंट के लेकिन गवर्नर के भी सिमिलर हैं बट एक पावर एक्स्ट्रा है कि ये चाहे तो प्रेसिडेंट को ये बिल फॉरवर्ड कर सकते हैं और एक बार यदि गवर्नर ने प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए फॉरवर्ड कर दिया तो वहां से गवर्नर का रोल इंटायरली इस लॉ के लिए खत्म हो जाता है दैट इज द बेसिक डिफरेंस इसके अलावा यदि आप देखोगे कुछ सिचुएशंस में ये बिल को रिजर्व करना मैंडेटरी है यानी कि जब भी आप देखोगे स्टेट हाई कोर्ट की जो पोजीशन रहेगी एंडेंजर होगी यानी कि हाई कोर्ट के जो पावर है कम किए जा रहे हैं जिससे कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंडेंजर हो सकती है उस सिचुएशन में गवर्नर को ये बिल जरूर रिजर्व करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए ऐसा डायरेक्ट संविधान में लिखा गया है ऐसा आपको समझना है उसके अलावा ये जो पूरा का पूरा पावर है ये पावर है। केसेस में कि क्या प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर को बिल रिजर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल यदि ऐसा कोई कानून संविधान के अलग है जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के अलग है ये विपरीत है ऐसे केसेस में नॉर्मली एडवाइजेबल रहता है कि गवर्नर को बिल रिजर्व कर देना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए बट हो ना हो दैट इज डिफरेंट थिंग लेकिन ऐसे प्रोविजन में जहां पर स्टेट हाई कोर्ट हो रहा है उसके में मैंडेटरी रिजर्व करना ही है प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे वही फाइनेंशियल पावर जो जो बजट में भी है वो कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के परमिशन से और जितने भी सेंट्रल लेवल पर प्रोविजन थे जुडिशियल पावर याद कीजिए प्रेसिडेंट का क्या होता है जजेस को अपॉइंट करते हैं वैसे ही स्टेट में जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हाईकोर्ट के जजेस को तो यहां पर गवर्नर को कंसल्ट किया जाता है एक तरीका यह है और जितने भी सब ऑर्डिनेट जजेस होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट जजेस और डिस्ट्रिक्ट जजेस के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं उनमें गवर्नर ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहते हैं वो स्टेट के हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं और जो अपॉइंटमेंट देते हैं जैसे कि कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट देते हैं वैसे ही डिस्ट्रिक्ट uh, कोर्ट या उससे नीचे वाले कोर्ट में गवर्नर इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी नेक्स्ट अपन बात करते हैं इज द की डिफरेंस बिटवीन ऑफ गवर्नर वर्सेस प्रेसिडेंट तो देखिए दोनों के दोनों में अपन ने देखा है नॉमिनल हेड है कोई रियल रोल नहीं प्ले करते हैं दोनों के दोनों एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काम करते हैं बट इसके बाद भी जो गवर्नर को डिस्क्रीपन दिया गया है वो ज्यादा दिया गया है ये आपको ध्यान रखना है डिस्क्रिशन ज्यादा कैसे दिया गया है अब अपन वापस से रिकॉल करते हैं प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन तो अपन ने क्या पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं दिया गया है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हर समय प्रेसिडेंट को एक्ट करना है कब जब एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोले तब वही कहना है बट यहाँ पर आप देखोगे इन्हें सिचुएशनल डिस्क्रीजन मिलता है प्रेसिडेंट को ये अपन ने ऑलरेडी बात कर रखी है सिचुएशनल डिस्क्रीजन क्या होता है जब क्या होता है किसी भी पार्टी ने एक मात्र मेजोरिटी नहीं पाई गई है या तो प्राइम मिनिस्टर अचानक से डेथ हो जाती है तो किसे बुलाया जाए फॉर्म करने में किसे पीएम बनाया जाए ये कौन डिसाइड करता है प्रेसिडेंट ऐसा ही यदि मेजोरिटी लूज कर जाते हैं तो डिसोल्यूशन यदि करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का तो वो भी किसके डिस्क्रिशन में होता है प्रेसिडेंट uh, के ये जो होते हैं ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन होते हैं ये जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है ये गवर्नर के पास भी हैं लेकिन इनके अलावा गवर्नर के पास कुछ कंस्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है तो व्हाट आर द टू गवर्नर हैज कंस्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन इन सर्टेन मैटर्स व्हाइल प्रेसिडेंट डज नॉट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट

President के पास सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रीजन होता है याद करिए अपन ने सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करी थी जो कि 1976 में इंदिरा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था एमरजेंसी के दौरान उसमें क्या कहा गया था कि यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को कुछ भी बोल दिया तो क्या हो जाएगा इन्हें कंपलसरी उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा याद आया हालांकि इसके बाद भी अपन ने पढ़ा था कि फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया उसमें क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं एक बार इस एडवाइस को वापस से रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं तो इसको क्या कहते हैं अपन सस्पेंसिव वीटो लेकिन यदि जो पार्लियामेंट है फिर से इस बिल को पास कर दे तो यहां पर इन्हें परमिशन देनी ही देनी पड़ेगी एंड दैट इज सस्पेंसिव वीटो दिस आर द थ्री अब क्या क्या कंस्टिट्यूशनल डिस्क्रीजन है अपन समझते हैं गवर्नर के पास सबसे पहला एक अपन ने ऑलरेडी देख लिया जब गवर्नर को बिल मिला तो गवर्नर क्या कर सकते हैं हा बोल सकते हैं ना बोल सकते हैं पॉकेट में रख सकते हैं जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं या तो प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर सकते हैं तो ये एक कंस्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है संविधान में एक डिस्क्रिशन दिया गया है जो गवर्नर के पास है इसके अलावा आपन जब इमरजेंसी पावर पढ़ेंगे तो जो आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल आता है या जिसे अपन कहते हैं स्टेट इमरजेंसी वो कौन रिकमेंड कर सकता है वो गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके डिस्क्रिशन पे है अब यदि मान लो फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कोई पंजाब का गवर्नर है और साथ ही साथ उन्हें क्या कर दिया गया चंडीगढ़ का यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया तो जब भी वो चंडीगढ़ गवर्नर चंडीगढ़ या किसी भी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह एक्ट करेंगे तो वहां पर वो पूरे अपने डिस्क्रिशन पर एक्ट करेंगे इसके अलावा जब भी उन्हें सीएम से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो बिल्कुल मांग सकते हैं ये भी संवैधानिक डिस्क्रिशन एक्स्ट्रा दिया गया है गवर्नर को इसके अलावा सिचुएशनल अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब कोई पार्टी भी मेजोरिटी नहीं सिक्योर कर सकती है अपन ने तो देखा था प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट के पास यदि कोई ऑर्डनरी बिल आता है तो वो उसे हाँ बोल सकते हैं ना बोल सकते हैं या उस बिल को रिटर्न मार सकते हैं ये अपन ने देखा था बिल्कुल यही जो है तीनों चीज प्रेस गवर्नर के पास भी है लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज है कि वो बिल को प्रेसिडेंट के पास भी रिज़र्व कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखोगे जब एक बार गवर्नर ने प्रेसिडेंट को बिल रिफर कर दिया तो हा बोल सकते हैं वो उसे ना बोल सकते हैं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा यदि प्रेसिडेंट ने बिल को रिटर्न किया बेसिकली और लेजिस्लेचर ने फिर से उस बिल को पास करके प्रेसिडेंट को भेजा तब भी प्रेसिडेंट को कंपलसरी हां बोलने की जरूरत नहीं है यानी कि जहां पर यूनियन के लॉस में सस्पेंसिव वीटो था यानी कि यदि पार्लियामेंट उस बिल को दोबारा पास कर दे तो प्रेसिडेंट को हां बोलना ही पड़ता है एसेंट देना ही पड़ता है बट इस केस में लेजिस्लेचर के पास सस्पेंसिव वीटो नहीं है और एक बार ये बिल आ, रिजर्व हो गया प्रेसिडेंट के लिए तो गवर्नर का रोल यहां पर कुछ भी नहीं रहता इट्स नॉट एप्लीकेबल ऐसा ही अपन मनी बिल के लिए देखें तो मनी बिल के लिए भी सिंपल है कि या तो वो एसेंट दे सकते हैं प्रेसिडेंट या तो एसेंट रोक सकते हैं मनी बिल के, के केस में अपन ने देखा था कि मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता बिल्कुल सिमिलरली गवर्नर के पास भी है ऐसा ही लेकिन एक एडिशनल पावर क्या है कि वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के पास भी सिमिलर ऐसा ही है एसेंट दे सकते हैं विथ कर सकते हैं एसेंट लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते लेजिस्लेचर को सिंपल सी बात है नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ दोनों अपन ने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखा था आर्टिकल नंबर वन टू थ्री में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट का अब ध्यान रखिएगा कई बार पूछा जाता है कि जो कंस्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पूछे जाते हैं तो एक जनरल रूल है जो है आप नॉर्मली उसमें 90 या 91 को जोड़ोगे 90 के आसपास कोई फिगर जोड़ोगे तो जो आता है वो बन जाता है सेंटर से स्टेट का प्रोविजन ये कोई फुल प्रूफ रूल नहीं है बट एक सिंपल रूल याद रखिएगा इससे बहुत बार आपको बन जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल 1 2 3 में 90 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 213, तो तो 213 जो जो है वो ordinance making power of governor में करता है 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 वो में में करता ऐसे करके आप बहुत सारे situations में निकाल सकते हो आगे भी और इसको टेस्ट करेंगे तो जो ordinance making power है, बिल्कुल सेम है। क्या सेम है तभी हो सकता है जब जो legislature है हाउस में ना हो सेशन में ना हो इमरजेंसी पावर है लेकिन यहां पर गवर्नर के पास कुछ और रेस्ट्रिक्शन हैं कि जहां पर भी प्रेसिडेंट का सैंक्शन चाहिए रहेगा बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए जैसे कुछ बिल्स होते हैं जैसे कि इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स यदि रोकना रहता है इन सब चीजों के लिए प्रेसिडेंट का परमिशन पहले चाहिए होता है बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले लेजिस्लेचर में तो ऐसा कोई ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करने के पहले भी प्रेसिडेंट का बिल रहेगा यदि मान लीजिए प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व करना कंपलसरी है कब देखा अपन ने जब ये हाई कोर्ट की पोजीशन को एंडेंजर करता हो तब भी को ही ये इशू करना पड़ेगा से परमिशन लेना पड़ेगा तभी जाके गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है और कोई भी ऐसे सिचुएशन हो जब प्रेसिडेंट का एक्सेस एसेस जो है उनका एसेंट मैंडेटरी होगा तब जाके तो यानी कि सिंपल सी बात है ये सब अपन कुछ भी नहीं ध्यान रखेंगे तो सिंपल सी क्या बात है यदि जिसमें भी लेजिस्लेचर में जिस लिमिट से लॉ बना सकती है सिमिलर लिमिट से ऑर्डिनेंस में गवर्नर लॉ बना सकता है ये आपको ध्यान रखना है इसके अलावा कुछ भी नहीं है क्या लेजिस्लेचर इन तीनों कंडीशन में लॉ बना सकती है नहीं बना सकती तो क्या ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता नेक्स्ट अपन बात करेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर प्रेसिडेंट गवर्नर बिल्कुल सेम है प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर में अपन ने देखा था क्या क्या होता है सबसे पहले पार्डन होता है जिसमें सारी की सारी सेंटेंस जो है खत्म हो जाता है फॉर एग्जाम्पल डेथ है तो डेथ से क्या हो जाएगा वो फ्री हो जाएगा दिस इज नोन एज पार्डनिंग उसके बाद फिर अपन ने किया था Remit, respite, reprieve, commute. Commute में क्या होगा एक form कम हो जाएगा. तो डेथ सेंटेंस क्या बन जाएगा हो सकता है lifetime imprisonment बन जाएगा. यदि lifetime imprisonment है, तो लेटेस्ट से फाइव ईयर इम्प्रिजनमेंट बन जाएगा कुछ इस तरीके से और रिस्पाइट uh, क्या था अपन ने देखा था यदि कोई स्पेशल कंडीशन है जैसे कि डिसेबिलिटी है कोई प्रेगनेंसी है में, में तो तब वो किया जा सकता है इसके अलावा रिप्राइव जो था ये क्या था? स्टे जो लगाया जा सकता है एग्जीक्यूशन में उसे बोले जाता है रिप्राइव ये सब अपन ने डेप्थ में डील किया था प्रेसिडेंट में ये सारे के सारे पार्डनिंग पावर्स जो हैं, वो गवर्नर के पास भी है लेकिन जहां प्रेसिडेंट के पास यूनियन लॉ से रिलेटेड पावर होता है गवर्नर के पास स्टेट लॉ से रिलेटेड पावर होता है नेक्स्ट यदि अपन बात करेंगे प्रेसिडेंट के पास कुछ एडिशनल पावर होता है जैसे कि प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को भी पाडन कर सकते हैं यानी कि एक बार पाडन कर दिए तो वो बिल्कुल छूट जाएगा लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को पाडन नहीं कर सकते बट ध्यान रखिएगा इसका मतलब ये नहीं है कि पाडन नहीं कर सकते तो रिप्राइव रिस्पाइट रेमिट या सस्पेंड नहीं कर सकते ये सब कर सकते हैं तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पार्डन नेक्स्ट मिलिट्री कोर्ट यानी कि मिलिट्री कोर्ट से कुछ भी यदि सजा मिली हो तो प्रेसिडेंट उसे भी पाडन कर सकते हैं लेकिन ये पावर गवर्नर के पास नहीं है नेक्स्ट अपन बात करेंगे चीफ मिनिस्टर अब जैसे कि अपन ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था बिल्कुल और बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है चीफ मिनिस्टर में गवर्नर प्रेसिडेंट में कुछ एग्जेम्पन हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में कोई भी एग्जेम्पन नहीं है दे आर एग्जैक्टली द सेम तो जैसे कि अपन ने देखा था सेंटर uh, में क्या होता है सीएम uh, जो होते हैं सॉरी uh, सेंटर में पीएम मेजर हेड होते हैं वैसे ही सीएम में मेजर हेड होंगे इन द केस ऑफ स्टेट और जैसे कि वहां पर अपन ने देखा था आर्टिकल नंबर 74 और 75 हैं है जो डील करते हैं बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनसे रिलेटेडिकल है एग्जैक्टली exactly वो वन सिक्सटी फोर्थ आर्टिकल है तो आप देखिए सेवेंटी फोर में नब्बे जोड़ दीजिए कितना आया वन सिक्सटी फोर सेवेंटी फाइव में नब्बे जोड़ दीजिए कितना आया वन सिक्सटी फाइव तो बेसिकली 91 आप जोड़ोगे तो वो आ जाता है सेंटर से 90 जोडोगे तो वो स्टेट का लॉ बन जाता है एक एक जनरल रूल नहीं है एक बस आप मोटा मोटा अंडरस्टैंड देखा था, था आर्टिकल में क्या पढ़ा था ऑफ मिनिस्टर होगी विच वुड हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर जो कि एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को वैसे ही सिमिलरली इसमें जो आर्टिकल 164 है वो क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा जो कि हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर रहेगा जो कि एड एंड एडवाइस करेगा गवर्नर को इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था वन One... बेसिकलीवेंटी फाइव आर्टिकल में क्या पढ़ा था कि एक चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर होगा का नॉमिनेशन कै, कैसे सिलेक्शन होता है नहीं 75 में यदि अपन देखें तो पीएम पीएम होगा पी का सिलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद बहुत सारे मिनिस्टर्स रहते हैं मिनिस्टर्स का सिलेक्शन कैसे होता है जब प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही इसमें जो आर्टिकल रहेगा वन सिक्सटी फाइव की देर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सिलेक्शन कैसे होगा वही जो अपन ने देखा अभी गवर्नर uh, अपॉइंट करेंगे गवर्नर बाकी मिनिस्टर्स को कैसे अपॉइंट करेंगे तो दे विल अपॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ओथ कौन दिलाएगा governor दिलाएगा गवर्नर अब सिमिलर ऑल द प्रोविजन जो अपन ऑलरेडी बात कर लिए हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो चेंज है वो अपन पढ़ लेते हैं विच स्टेट्स मैंडेटरली रिक्वायर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स इन देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर दूशनल रिक्वायरमेंट्स तो 75th का जो स्टेट काउंटर पार्ट है यानी कि 165th आर्टिकल इसमें एक और रिक्वायरमेंट दी गई है कि कुछ स्टेट्स में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी होना चाहिए तो वो कौन से स्टेट हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और झारखंड उड़ीसा ये चार स्टेट में ये रिक्वायरमेंट है इससे पहले बिहार में भी थी बट बिहार को हटा दिया गया है तो इस ऑप्शन के हिसाब से मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ वुड बी द राइट आंसर इसके अलावा झारखंड और उड़ीसा में भी ये रिक्वायरमेंट है जिसमें रखा गया है याद करिए सीओ कि में जो टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है अपन अपने नेशनल लेवल पर क्या पढ़ा था 15% बिल्कुल और बिल्कुल वैसे ही स्टेट लेवल पर भी 15% ही स्ट्रेंथ है और जैसे अपन ने वहां पर पढ़ा था ड्यूटीज ऑफ पीएम बिल्कुल वैसे ही यहां पर ड्यूटीज ऑफ सीएम होती है क्या होती है कि सीएम क्या करना है गवर्नर को इन्फॉर्म रखना है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ स्टेट्स रिलेशन में और यदि गवर्नर को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सीएम से मांगते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड में तो वो सीएम को प्रोवाइड करना है इसके अलावा एक और अपन ने पढ़ा था आर्टिकल नंबर सेवेंटी में जिसमें आप देखो राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स था तो क्या 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 राइट right थी मिनिस्टर्स के पास मिनिस्टर्स क्या कर सकते हैं किसी भी हाउस की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं उसमें कमिटी में भाग ले सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग इन वोट वोटिंग नहीं कर सकते हैं तो ऐसी ही राइट right यहां पर भी दी गई है गवर्नर स्टेट uh, में नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर तो याद करिए अपन ने क्या पढ़ा था आर्टिकल सेवेंटी फाइव में क्या था रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसी के तहत आप देखोगे इसके जो एनालॉगस 164, 165 आर्टिकल में जो कंडीशन दी गई है सेम है 164 में एक्चुअली कि यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक टीम की तरह एक्ट करता है जब एक पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दह जाता है और नई सरकार आ, के लिए इलेक्शन होता है और ऐसा ही इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है यदि सीएम ने गवर्नर को बोला कि आप एक मंत्री को हटा दो क्योंकि वो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं लूज कर रहा है तो गवर्नर को क्या करना पड़ेगा उस मिनिस्टर को हटाना पड़ेगा दिस इज द बेसिक आइडिया तो सारी की सारी चीज सेंटर और स्टेट में यहां से कॉमन हो जाएगी आपको समझ में आ जाएगा कि अब अपन बहुत तेजी से आगे स्टेट वाला पूरा का पूरा पोर्शन खत्म कर देंगे तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे